नमस्कार, हम नमस्कार किसान भाई लोगन, हम हैं अंकित कुमार सिंह और आप लोगन देखत तनी जा किसान तक का खास कार्यक्रम खेती में का बा। जैसे हम हर बार कहिला खेती में बहुत कुछ बा, लेकिन आज का जो चर्चा हमने के कही जाई 5 से 7 मिनट के बीच में, उस चर्चा विश्व का सबसे बड़ लोकतंत्र का लोकसभा चुनाव का नतीजा का लेके हुई कि जे तरह के एनादान नतीजा आयल बा वो काफी काफी आदमी का आश्चर्यचकित करे वाला भी आयल बा। जहां एनडीए 400 पार का दावा कर रहल रहे, वही अब एनडीए 292 तक ही सीट हासिल कर पाइल। वही इंडी गठबंधन 234 के आसपास सीट हासिल कैले बा और साथ ही अन्य जोन बा 17 सीट हासिल कैले बा। यानी कि अगर पूरा बिहार के नजर में हमनी का बात कही जाए तो बिहार जोन बा बीजेपी का जो सीट बा 12 सीट बीजेपी हासिल कैले बा, जदयू 12 सीट, आरजेडी 4, रामविलास पासवान लोजपा जोन बा 5 सीट, यानी कि चिराग पासवान का पार्टी हम जीतन राम मांझी का 1 सीट, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी रह विजयी हासिल कैले बा, एक तरह का नया इतिहास रचल गेल बा। कांग्रेस 3, सीपीआई माले जोन बा ले 2 सीट हासिल कैले बा, यानी कि कुल 40 सीट का जो लोकसभा सीट बा ओकरा में ए तरह का नतीजा सामने आयल बा। लेकिन आरजेडी का जोन हम बात कही जाई कि जोन आरजेडी का 4 सीट बा, उ 4 सीट में से 1 सीट जोन बा काफी दिलचस्प रहल बा और कहीं ना कहीं इस सीट का जोन आरजेडी के खाता में जाए में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसान आंदोलन भी रहल बा। हम बात कर रहल बानी बक्सर संसदीय क्षेत्र का, विशेष तौर से काहे से कि पूरा जोन भी 40 लोकसभा का सीट रहे बिहार में, वहां पे हर तरह का अलग अलग मुद्दा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बक्सर का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर किसानन का नाराजगी चौसा थर्मो पावर प्लांट मामले में उचित मुआवजा का लेके जे तरह से किसान सरकार से मांग कर रहन जा और उकरा बाद किसानन का जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज का जो घटना 2 बार देखे के मिलल, उकरा बाद से ये अनुमान रहे कि बीजेपी खातिर ई राह आसान नहीं हुई। बीजेपी उस चीज का भाप ललस, लेकिन अश्विनी चौबे जो वहां पर वर्तमान में सांसद रहा उनका सीट काट के मिथिलेश तिवारी का सिर दिलस, तब वो जादू नहीं चल पाई, यही पर बात हुई। और जादू न चले के पीछे भी कुछ जातीय समीकरण भी रहल, लेकिन किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहल। करीब करीब 20 से 22 गाँव इस जो चौसा थर्मो पावर प्लांट मामले में जो रहे जमीन को उचित मुआवजा के लेके एकरा में विरोध रहे, करीब करीब कहल जाए तो 30 से 40 हजार वोट जो लोग से बातचीत होते रहे, 30 से 40 हजार वोट का अंतर देखे के मिलत रहे और उहे अंतर सुधाकर सिंह के जीत में मददगार साबित भइल बा। और भी कुछ रहल बा फैक्टर जैसे बीजेपी का पराजय मिलल बा, लेकिन किसान आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहल, किसानन का नाराजगी भी काफी महत्वपूर्ण है। आप ये तस्वीर देखी जा, तस्वीर में सुधाकर सिंह देर शाम जो रात का विजय का घोषणा भइल ओकरा बाद एक जश्न का माहौल देखे के मिलल। जिस तरह से आप देखत आनी जाए कि बीजेपी का ये आपका दफ्तर लौकत बीजेपी का ही, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर आप जो देख रहल बानी जा तो ए तरह का मतलब देखे के मिलल, जश्न का माहौल देखे के मिलल हर पार्टी में। हर इनादान बिहार में जो नतीजा लोकसभा में वो मैं देखे के पार मिलल कि शाम होत होत हर पार्टी का कार्यालय में जश्न का माहौल देखे के मिलल। और इस जश्न का माहौल में हर कोई डूबल, हर कोई जहां पे आरजेडी जहां पिछले 2 चुनाव से लोकसभा चुनाव से जेकर खाता नहीं खुल रहे अब खाता खुल गए, यानी कि 4 सीट हासिल कर ललस। जहां पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर रहे ओके 3 सीट मिल गई, सीपीआई और माले कई लोगों के सीटें को नहीं जीत रहन जात, लेकिन 2024 का परिणाम में कई ऐसा निर्णय आई जिससे काफी बिहार का राजनीति में एक नया बदलाव देखे के मिलल लोकसभा चुनाव के तौर पर। बात बक्सर को हुई, बक्सर का ऐसे हुई कि जे तरह से आप वीडियो तस्वीर देखें जा कि देर शाम जो बाटे बक्सर में सुधाकर सिंह आप देख रहे हो कब्जा शाम का नतीजा आई, ओकरा बाद एक तरह से जश्न का पूरा माहौल देखे के मिलल। कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह जीत के बाद ये बात कैल कि जो चौसा थर्मो पावर प्लांट का मामला बा ओकर ले आवाज अब बुलंद कैल जाये और ओके एक
पहुंचावल जाए, लोकसभा में भी उस चीज का मांग कर जाए ताकि इस हो सके और जो किसानन का मांग बा ओकर मांग पूरा हो सके। चौसा थर्मोपावर प्लांट मामले में सुधाकर सिंह लगातार सक्रिय रहा, राकेश टिकैत से लेके तमाम कई किसान नेता बक्सर के चौसा में महापंचायत का आयोजन भइल और कहीं ना कहीं मानल गई कि सुधाकर सिंह के जो बा पीछे जो किसान महापंचायत या राकेश टिकैत के बक्सर तक पहुंचावे में सुधाकर सिंह का बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहे और एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनावे में सुधाकर सिंह का काफी भूमिका देखे के मिलल रहे। और सुधाकर सिंह लगातार इस बात का जिक्र करत रहे कि किसान का लेके और जो बिहार में उप कृषि मंत्री रहा किसानन कहीं बात को लेके अपने पद से कृषि मंत्री से पद से इस्तीफा भी दे दल रहे नीतीश कुमार और जदयू जब आरजेडी की सरकार रहे उमा तो कहीं ना कहीं एक बिहार में किसान नेता के तौर पे एक उभरल नेता देखे के मिलल रहे। और पंजाब हरियाणा जो हम लिखले बनी हेडिंग टाइटलो देखते हैं कि पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि बिहार में भी कि बिहार में भी किसान आंदोलन का असर देखल बक्सर में, तो जे तरह का माहौल देखे मिलल किसान आंदोलन तमाम चीज में वो कहीं ना कहीं जो बक्सर का सुधाकर सिंह बीच जीत हासिल कैले वाला उमा किसान आंदोलन भी बड़ा भूमिका में रहे। किसानन का नाराजगी किसानन पर प्रशासन के द्वारा कैल गई लाठीचार्ज तमाम तरह का केसदारी एक बहुत मूल भूमिका रहे और कहीं ना कहीं जितने भी क्षेत्रीय स्तर का बिहार का किसान नेता रहा कहीं ना कहीं बक्सर में सुधाकर सिंह का ही जीत का लेके वो दावा कर रहा प्रचार प्रसार भी कर रहा ऐसा देखे के भी मिलल रहे। और सुधाकर सिंह भी काफी मुद्दा पर काफी सक्रिय रहा चौसा थर्मोपावर प्लांट के लेके, कैमूर में भी जे तरह का भारतमाला परियोजना के तहत जो आंदोलन हो रहा बा वो आंदोलन में सुधाकर सिंह आवाज उठावत देख नजर अल और कहीं ना कहीं एक बिहार में किसान नेता के रूप में अपन पहचान बनावत नजर अलन और एक सफल परिणाम देखल जा सकेला किसानन के बीच में तमाम जिस तरह से विजय हासिल कैले बालन। अगर पूरा एक हम बात करी जीत का बक्सर का तो बक्सर में कई तरह का मामला रहल कई तरह के घटना परिघटनाएं रहल जे तरह से सुधाकर सिंह जो सीट जीत बक्सर से संसदीय क्षेत्र जो वोट पहले बांगा 4,38,345 वही मिथिलेश तिवारी 4,08,254 वोट यानी कि 30,091 वोट से सुधाकर सिंह जीत हासिल कैले वाला। बक्सर में भाजपा खातिर राह यही से आसान नहीं रहे कि कहीं ना कहीं नाराजगी ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र माना जला बक्सर वोट ब्राह्मण का वोट बहुत ज्यादा होला लेकिन जे तरह से बनारपुर तमाम कई जगह पे जे तरह से घटना भइल ब्राह्मण ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रहे आबादी जे एक सबसे ज्यादा प्रभावित रहे घर पर लाठी जैसे तमाम तरह के घटना भइल ओकरा बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर पूरा चौसा के आसपास देखे के मिलत रहे। और कहल जाते रहे कि जो पूरा मामला रहे जहाँ चौसा थर्मोपावर जमीन का करीब 20,000 से 22,000-25,000 या 30,000 का वोट का असर देखे के मिलत रहे और उहे असर वोट विजयी में विजय श्री में भी देखे के मिलल रहल बा सुधाकर सिंह का जो जीत हासिल के लिए मांगा। कहीं ना कहीं किसानन के बीच अपन मौजूदगी समर्थन और मुखर होके उनके बात कर रखल सुधाकर सिंह का सफल भइल बा। और भी कई तरह का अगर जातीय समीकरण पर बक्सर में हमने के बात कर लेवल जाए थोड़ा सा तो देखी जा पूरा जो कहानी बा बक्सर में पंडित जो ब्राह्मण जो प्रत्याशी खड़ा भइल रहा उमा आनंद मिश्रा आईपीएस आईएएस जो रहा ओकरा अलावा भी एक आनंद मिश्रा रहा सुनील दुबे सुधाकर मिश्रा आनंद मिश्रा अखिलेश पांडे ये तमाम लोगन जो और भी प्रत्याशी खड़ा रहा करीब करीब 71,000 से अधिक वोट जो कहल जा सकेला कि मिथिलेश तिवारी को वोट का जो मिलल बा ओकरा अलावा जो ब्राह्मण जाति से जो और प्रत्याशी खड़ा भइल रहा उन तमाम लोगन को वोट मिला लेवल जाए 71,000 से अधिक वोट उन लोगन के मिलल बा जयमानंद मिश्रा के सबसे अधिक 47,409 वोट मिलल बा। तो एक तरह का जो ब्राह्मण का वोट रहे कहीं ना कहीं जो चौसा थर्मोपावर प्लांट मामला में रहे उमा ब्राह्मण जाति भी काफी नाराज रहा बनारपुर में जिस तरह से घटना भइल ब्राह्मण समुदाय के सबसे ज्यादा अधिक लोग रहा तो वो तरह का जो अत्याचार भइल ओकरा से ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज दिखल और ओकर वोट तब्दील सुधाकर सिंह में भी देखे के मिलल बा और कहीं ना कहीं जो तरह से होइल ओकर ही निर्णय बा एक तरह से जीत में भी ई मतलब एक जो ब्राह्मण का नाराजगी भी रहे। जब अश्विनी चौबे का बनावल रहे सांसद वो दो बार से सांसद रहन लेकिन ओकरा बाद जे तरह से घटना परिघटना भइल अश्विनी चौबे से लेके काफी नाराजगी रहे। वही मिथिलेश तिवारी का सबसे बड़ा पूरा घटना में ही स्थिति रहे कि वो अंत तक अपन अपन कार्यकर्ता और आम लोगों का मनावते उनका दिन बीत गई ये तरह की स्थिति रहे लगातार प्रयास रहे कि जो नाराजगी बा ओके खत्म कर जा सके।
तो ये तरह का मामला रहे और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक असर और कह चाहे किसानन का जादू बक्सर भी संसदीय क्षेत्र में देखे के मिलल बा। सुधाकर सिंह और बक्सर के इतिहास में पहली बार बा कि जहां पिता पुत्र दोनों एक ही संसदीय क्षेत्र से सांसद बनल बालन, चाहे जगदानंद सिंह 2009 में जो सुधाकर सिंह उनका बेटा बालन सुध जगदानंद सिंह का प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी का बालन, जगदानंद सिंह 2009 में जीतल रहा और 2024 में सुधाकर सिंह, लेकिन इतना बड़ा अंतराल से सुधाकर सिंह ही जीत हासिल के लिए बना। तो ये था जानकारी बक्सर से संसदीय क्षेत्र से जुड़े लोग फुकल, और भी अन्य जानकारी के लिए किसान तक देखल करी जा। तो अभी तक के लिए नहीं जा विदा, नमस्कार। और हाँ, लगातार प्रयास बा कि हमने के अच्छा अच्छा जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करी जा। तो जानकारी खातिर आप चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी जा, और हमने आज वीडियो भी भोजपुरी जन आपका भाषा में बा एक भी लगातार अन्य लोगों के भी बीच शेयर करते रह जा। तो दी जाए इजाजत, नमस्कार।